दोस्तों नमस्कार, मैं सुशांत आज का नए वीडियो में सभी को स्वागत है। दोस्तों आपका किसी के पास लैपटॉप है तो आपका इस वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप जब लैपटॉप खरीदते हो 1 ईयर के बाद क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक अपडेट मांगता है, जिसके वजह से आपका बहुत सारे नुकसान होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं चलता है अपडेट कहाँ होता है और कैसे ऑफ करना होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों, जब आप लैपटॉप में जब नेट चलाते हो, डंगल पे कोई नेट चलाते हो तो, और कोई हॉटस्पॉट के माध्यम से जब नेट चलाते हो लैपटॉप में, तब क्या होता है दोस्तों, आपका ऑटोमेटिक कुछ ही समय के अंदर आपका नेट ले जाता है अपडेट के लिए, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ ख़त्म होता है आपका नेट। तो दोस्तों आपको जानना इसको, ये अपडेट को कैसे बंद करना है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे आपको एडमिन सर्च करना है, ADMIN एडमिन सर्च करने का। देख सकते हो दोस्तों ये वाला एक आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इसके ऊपर दोस्तों आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पॉपअप मेनू आ गया है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कंप्यूटर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के काम कर रहे हैं इसलिए कंप्यूटर मैनेजमेंट को आपको डबल क्लिक करना है। दोस्तों डबल क्लिक करने के बाद और एक पॉपअप मेनू यहाँ पे आएगा, यहाँ देख सकते हो फाइल एक्शन व्यू, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो सर्विस एंड एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है इसलिए हमको सर्विस एंड एप्लीकेशन में डबल क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अभी क्या करना है, जो सर्विस सर्विस के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से बहुत सारे जो अपडेट मांग रहा है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे जो है रनिंग दिखा रहा है, जो नहीं है उसके बाद वो डिजेबल दिखाएगा। दोस्तों अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, जो विंडो अपडेट जो यहाँ पे लिखेगा उसको अपडेट और बंद करना है। देख सकते हो दोस्तों विंडो अपडेट है वाला, दोस्तों यहाँ पे आपको जाके डबल क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला जो सेटअप टाइप जो लिखा है ये वाला आपको जब आप चालू रहेगा तब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डिलीट स्टार्ट होगा, अब ऑटोमेटिक ऐसे लिखा होगा मेरा ऑफ है इसलिए दोस्तों मेरा ये वाला डिजेबल दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे जाके जैसे जो स्टॉप ये वाला जो है आपको जब डिजेबल रहेगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो डिले स्टार्ट इसके बाद दोस्तों जब रन हो जाएगा तो अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद दोस्तों ओके कर दोगे तो वाला ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो मैं और एक बार दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिजेबल करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टॉप करना है क्योंकि दोस्तों मेरा ऑफ हो चुका है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके करना है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे जैसे तो डिजेबल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये डिजेबल होने के बाद दोस्तों आपका वहाँ पे और कोई अपडेट नहीं होगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ सेटिंग में जाकर देख सकते हो यहाँ पे मेरा अपडेट फेल हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ऐसे आप जाके अपडेट बंद करके आपका नेट को बचा सकते हो। अगर आपका विंडो जो भी विंडो 10 है, विंडो 10 के प्रोसेस में बताया, आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ कुछ भी विंडो के लिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, मैं उसी को हिसाब से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, विंडो ये वाला जब आपको अपडेट करना हो तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला आपका न्यू वर्सन जब चाहिए उसको, क्योंकि जब अपडेट मांगता है कि इसका ये वर्सन कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ नए ऐड हुआ है जिसकी वजह से अपडेट मांग रहा है। दोस्तों ये वाला जो चेंज हुआ उसी को आप डाउनलोड करके आपको लैपटॉप में आप इंस्टॉल करोगे तो अपडेट करना ज़रूरत नहीं, वो वाला आपको चालू रहेगा, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और सबसे आगे देखने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन को दबा देना और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।